रहीम, कल हमने सब्जियों का अचार बनाने के लिए चीजें निकाली थी और आज उसकी तैयारी पूरी हो गई है, तो हम सब्जियों का अचार बनाएंगे। मैंने इमली और शकर, 4 चम्मच 5 चम्मच शकर और इमली, इमली का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, ये तकरीबन 50 ग्राम से 800 ग्राम का है, ये बड़ा टुकड़ा है। इसमें से निकाल के मैंने इतना टुकड़ा लिया और 5-6 चम्मच शक्कर डाल के इसका सिरप बना लिया। सिरप इतना गाढ़ा होना चाहिए जितना आपका कैचअप होता है, उस टाइप का गाढ़ा हो जाए। अब मैंने 4 चम्मच तेल दूसरे मेरे कुकर के बर्तन में डाल दिया है, खाना पकाने का 4 चम्मच तेल। ये मेरी चीज़ें तमाम तैयार हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये कलौंजी, राई और ज़ीरा मैंने एक एक भांपने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल के और इसमें सिरका डाल के रख दिया है, ताकि ये इसमें खटास और नमक जो है वो रस बच जाए। ये ट्रिक है कि कलौंजी, राई और ज़ीरा वगैरह जो है इनको भांपने के बाद, मैंने कल बताया था आपको, इसको भांपने के बाद मैंने इसमें नमक और सिरका डाल के रख दिया। अब हम मैं आपको बना के बताता हूँ। हमारा तेल गरम हो चुका, तेल गरम होते ही हम इसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले गरम मसाले डालेंगे ताकि वो तड़क जाए, कड़क जाए, यानी उसको तड़का लग जाए। मैंने काली मिर्ची डाल दी 8 से 10, दालचीनी डाल दी 8 से 10 2-3 टुकड़े, और लौंगे डाल दी 2-3 टुकड़े, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल जाए। ये जले ही और ये इसकी खुशबू उस तेल के अंदर रख बच जाए। अब हम इसके अंदर सबसे पहले मेथी डालेंगे। ये मेथी के अंदर ऑलरेडी मैंने सिरका और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा नमक डाला था, और मेथी गली हुई हमने मेथी डाल दी इसके अंदर। इसी तरह एक एक करके चीजें डालते रहेंगे। मेथी भी कड़क गई, अब हम इसमें राई डालेंगे। मेथी कड़वी होती है इसलिए कड़कना जरूरी है, इसमें हमने राई डाल दी। राई में भी सिरका और नमक पड़ा हुआ है और इसको भापा हुआ है। राई डालने के बाद मेरे लिए सब तेल उड़ गया, इसको साफ कर दूँ। लेंस ऑफ किया, उसके बाद हम इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी में भी नमक और सिरका पड़ा हुआ था, अब मैंने आग को बिल्कुल कम कर दिया। ये चीज़ें सारी कड़क चुकी, अब मैं इसमें सिरप डालूँगा और ये इमली का सिरप इसमें पड़ गया, ताकि जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो जले नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं और धो दूँ बर्तन को जिससे सिरप बनाया था, और आग को तेज़ कर लूँ। आग मैंने तेज़ कर दी, और इस पे सिरप डाल दिया। ये सिरप बनाने का तरीका ये है कि इमली और शक्कर के जितना आप चाहें उसमें डालें। मैंने 5-6 चम्मच डाले और इसको इतना गाढ़ा किया जितना कैचअप होता है। ये डालने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा और सौंफ पड़ी हुई है, और उनको ये बेर के साथ और जैतून के साथ, हरे जैतून या काले जैतूनों के साथ उसको मैंने भांप दिया था। ये भपे हुए हैं, इनको डाल दिया। अब हम
एक के बाद एक चीज़ें इसमें डालते जाएंगे, जो चीज़ें देर में करती हैं उनको पहले डालेंगे। मैंने प्याज डाल दी इसमें, ये प्याज डल गई। प्याज में दोनों किस्म की प्याज, हरी प्याज की निचली सफ़ेद प्याज और दूसरी हमारी जो आम प्याज यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दी। और इनको भी मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीज़ें लगे नहीं, जले नहीं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद गाजरें, ये गाजरें, गाजरें डाल दें। उसके बाद गोभी की बारी है, गोभी बंद गोभी सख्त होती है, बंद गोभी मैंने डाल दी। इसके बाद मूली की बारी है। हर चीज हर वक्त ख्याल रखिए कि जले नहीं और लगे नहीं, और इसको हिलाते जाइए। अब मूली की बारी है, अब इसमें मैं मूली डाल रहा हूँ। ये मैंने मूली डाल दी इसमें, सब चीज़ें पड़ने के बाद मैं इसमें नमक की आजमाइश करूँगा, नमक मिलाऊँगा। ये मैंने नमक डाला, अंदाजन डालिए जितना आप खा सकते हैं, जितना खाते हैं टेस्ट के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक नमक डाल दिया। फिर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सिरका साथ में मिला दिया, एक दो चम्मच सिरका भी डाल दिया ताकि पकने में उसका मज़ा भी आता जाए। चूल्हे की आंच मीडियम है, अब आपकी वो चीज़ें डालनी है जो जल्दी पक जाती हैं। फूल गोभी, फूल गोभी मैंने डाल दी, और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैंने डाल दी, और आखिर में हरी मिर्चें बड़ी कट लगा के मैंने डाल दी, और आखिर में खीरा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अगर दिल करे तो आप थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बस ये है कि अचार के रंग को वो रंग नहीं रहने देती सब्जियों का जो होना चाहिए। बहरहाल अगर आपका दिल करे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। और अब इसमें सिरका और डालेंगे, मधी सिरका और लाल मिर्चें कूटी हुई। लाल मिर्चें मैंने हमाम दस्ते में मोटी वाली बड़ी साबित वाली कूट ली है, और जितनी लाल मिर्चें आप इसमें डालेंगे उतना टेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा मिर्चों से। बहरहाल ये मैंने डाल दी, मैंने 8 से 10 ली होंगी। पानी बराए नाम डालते हैं ताकि सब्जियां लगे नहीं, जले नहीं। मैं नमक और मिर्ची चख लूं, वाह ज़बरदस्त टेस्ट आया है, वाह ज़बरदस्त टेस्ट आया है। नमक की थोड़ी सी कमी मैंने वो पूरी कर दी, थोड़ा सा सिरका और पड़ेगा। मैं खाना पकाने के चम्मच से एक चम्मच सिरके का इजाफा और कर रहा हूँ। ये सिरके का इजाफा किया, पानी टोटल पानी मैंने छोटा गिलास लिया था, आधा गिलास अब तक यूज हो चुका, और थोड़ा सा और ये थोड़ा सा डाला। बस हमारा अचार तैयार हो गया। अब इसको हम कुकर को बंद करेंगे और सीटी उठते ही
ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी और हमारा अचार तैयार। मेरा ख्याल इस टोटल काम में 10 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। हम सीटी उठने का इंतज़ार करेंगे। चूल्हा बंद और हम इसको खोलेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे। मुझे यकीन है कि प्रेशर रिलीज होते ही मैं खोलूंगा और आप इसको देखना चाहेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, जबरदस्त हमारा अचार तैयार। अचार में तेल छोड़ दिया, टेस्ट में जबरदस्त। मैं चख के देखूं, वाह जबरदस्त। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। शक्ल आपको दिखा दिए मैंने, ये जैतून भी पड़े हुए हैं इसमें और तमाम सब्जियां पड़ी हैं।